छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि राहुल की मंशा से मैं सहमत नहीं हूं कि अध्यक्ष नेहरू या गांधी परिवार से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है। साथ ही भाजपा पर वार बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अफवाह फैलाई है, सब कुछ एक ही परिवार में होता है। उन्होंने कहा कि मेरी पहली चॉइस राहुल है, अशोक गहलोत नहीं पर विरोधी भी नहीं। जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात चल रही है और हम लोग को ऊपर की जानकारियां वैसी नहीं रहती, आपके मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिलता है, उसमें यही बात सामने आ रही है कि एक व्यक्ति एक पद पे जोर दिया जा रहा है कि इसको नियम में ढाल दिया जाए। और राहुल जी ने एक तरह से मंशा अपनी व्यक्त की है, शब्दों में ना की हो, कि नेहरू गांधी परिवार का नहीं। ये बहुत, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, उस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आज कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी और जो विघ्न डालने वाले लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि हर कुछ एक परिवार में हो रहा है।